नमस्ते दोस्तों, आप सभी को स्वागत है मेरे चैनल पर। यहाँ पे कर रही हूँ मैं आलू बॉईल। आज हम बनाएंगे न्यूट्रेला के साथ छोटे आलू की सब्जी। यहाँ पे आलू भी छील लिया है। न्यूट्रेला को हमने बाटी पर डाल लिया है। बाटी को अभी हम गैस ऑन कर देंगे, गरम कर लेंगे न्यूट्रेला को। ये देखिए गरम हो चुका है और यहाँ पे मैंने बिठा दिया है कढ़ाई। कढ़ाई बिठाने के बाद सूखे जो मसाले है उसको सूखा फ्राई कर लेंगे बिना तेल के। यहाँ पे मैंने लिया है जीरा, धनिया, सौंफ, थोड़ा सा अदरक, 3 सूखी मिर्च और थोड़ा सा तेजपत्ता। इसको अभी हम सूखा फ्राई कर लेंगे। सूखा फ्राई हो चुका है, अभी हम निकाल लेंगे। यहाँ पे सिलपट्टा भी बिछा दिया है। सिलपट्टे में अभी हम इसे पीस लेंगे मसाले को। यहाँ पे कढ़ाई फिर से बिठा दिया है। अभी हम डाल देंगे तेल, न्यूट्रेला को फ्राई कर लेंगे। तेल गरम हो चुका है, अभी हम डाल देंगे न्यूट्रेला। कुछ दिन से हम निरामिष खा रहे हैं, इसलिए हम कल वीडियो नहीं डाले हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड को बिल्ली ने नोचा है, इसलिए 3 दिन तक निरामिष खाना चाहिए बोल के। इसलिए आज 3 दिन हो चुका है, आज ये निरामिष सब्जी है, कल से शायद मीट मछली खाना शुरू होगा, इसलिए वीडियो नहीं दिया था। न्यूट्रेला को कर लेंगे अच्छे से फ्राई। अभी न्यूट्रेला के ऊपर डाल देंगे आलू। आलू को मैंने 1-2 तोड़ भी दिया है। एक साथ ही न्यूट्रेला और आलू को फ्राई कर लेंगे। हल्दी नमक न्यूट्रेला के ऊपर तो डाला ही था, लेकिन अभी और थोड़ा सा डालना पड़ेगा। आलू भी डाल दिया है इसलिए, और हरी मिर्च भी हमने चीर कर डाल दिया है। अभी हल्दी नमक डालने के बाद अच्छी तरह से हिला लिया है। हिलाना हो चुका है, अभी हम डाल देंगे पानी। मैं हमेशा चाहती हूँ गर्म पानी डालने के लिए, पर आज मैं भूल गई हूँ गर्म पानी करने के लिए, इसलिए मैंने ठंडा पानी डाल दिया है और ढककर रख दिया है उबालाने के लिए। यहाँ पर मैंने गर्म मसाला भी ले लिया है, गर्म मसाला भी पीस लेंगे। यहाँ पर जो सूखा फ्राई किया था मसाले को, वो मसाला पीस लिया था। ये देखिए उबाल आ चुका है, ढक्कन को हमने उतार दिया है। अभी थोड़ा सा हिला लेंगे। हिलाना हो चुका है, अभी हम एक गमले पर निकाल लेंगे सब्जी को। अभी हम लगाएंगे तड़का। तड़के पे हम डालेंगे, अभी हम थोड़ा सा तेल डाल लेंगे कढ़ाई पे, उसी कढ़ाई पे हमने वो किया है, तड़के डालेंगे। ये देखिए गरम मसाला भी हमने पीस लिया है। तेल पे डाले है आधा तेज पत्ता, 2 सूखी मिर्च, 1/4 साबुत जीरा डाल देंगे। डालने के बाद डाल देंगे सब्जी। सब्जी डालने के बाद डाल देंगे मसाला जो हमने पीस के रखा था सूखा। इसे डालने के बाद सब्जी को अच्छी तरह से हिला लेंगे। मसाला नहीं तो गोटा होके रहता, इसलिए अच्छी तरह से मसाले को उसके साथ घुला लेंगे और ढककर रख देंगे उबाल आने के लिए। ढक्कन को उतार लेंगे, देखेंगे उबाल आया कि नहीं। ये देखिए उबाल आ चुका है सब्जी। अभी थोड़ा सा हिला लेंगे सब्जी को हम। अभी हम डाल देंगे गरम मसाला जो पीसा था। गरम मसाले पे मैंने क्या क्या लिया है आप ही को तो दिखाया ही है। गरम मसाला डालने के बाद थोड़ा सा हिला लेंगे सब्जी को। सब्जी हमारा बन गया है, अभी हम एक गमले पर निकाल लेंगे। ये देखिए सब्जी हमारा बनकर तैयार हो चुका है। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी को धन्यवाद।